दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी पर दावे को लेकर शुक्रवार 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग में सुनवाई की गई। इस दौरान एनसीपी चीफ शरद पवार भी मौजूद रहे। वहीं अजीत पवार की ओर से उनके वकील निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश हुए। निर्वाचन आयोग में शरद पवार गुट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी पर प्रतिद्वंदी अजीत पवार खेमे के नियंत्रण के दावे को काल्पनिक बताते हुए कहा कि उनका दावा फर्जी दस्तावेज के आधार पर है। आयोग में अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को सोमवार शाम 4 बजे होगी। सोमवार को अजीत पवार गुट अपना पक्ष रखेगा। चुनाव आयोग में एनसीपी विवाद पर शुक्रवार को करीब 2 घंटे सुनवाई चली थी। शरद पवार कैंप ने चुनाव आयोग के सामने कहा कि एनसीपी शरद पवार की है। शरद पवार गुट ने कहा कि 90% से अधिक संगठन के लोग शरद पवार के साथ हैं। उन्होंने ये भी दलील दी कि एमपी और विधायकों की जिस संख्या के आधार पर अजीत पवार गुट दावा कर रहा है, वो तो अयोग्यता के मामले में सवालिया घेरे में लंबित हैं। दरअसल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर इनकी गणना नहीं हो सकती। पवार गुट ने यह भी कहा है कि एनसीपी के एमपी और एमएलएस की गणना जिस आधार पर अजीत पवार गुट चाहता है, उनकी पूर्व के फैसले के आधार पर कोई वैधता नहीं बनती। पवार गुट ने आयोग के समक्ष कहा कि अजीत पवार गुट की दलीलें सोमवार को सुनने के बाद हमें पूरी तरह से सुना जाए। पवार गुट ने कहा कि अजीत गुट ने ऐसे लोगों के भी दस्तावेज दिए हैं जिनकी मौत हो चुकी है। कई लोगों ने तो इस बात से भी इनकार किया है कि उन्होंने दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं। गलत दस्तावेजों और नियत से एक पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई है। एनसीपी को बनाने और यहां तक पहुंचाने वाला व्यक्ति हमारे साथ है। दूसरे गुट के लोग इसको ना मानने की बात कर रहे हैं, जबकि पार्टी के सांगठनिक ढांचे से जुड़ा एक बड़ा तबका इसी व्यक्ति के साथ खड़ा है। वहीं इसके साथ ही महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने चुनाव आयोग में 24 पेज का हलफनामा दाखिल किया है। अजीत पवार ने हलफनामा में कहा है कि शरद पवार ने चुनाव आयोग के समक्ष अपने हलफनामों में गलत बयान दिया है। अजीत पवार ने हलफनामे में कहा कि 53 में से 42 विधायक और 9 में से 6 एमएलसी ने उनके समर्थन में है। शरद पवार ने अपने समर्थन में महाराष्ट्र के किसी भी विधायक एमएलसी द्वारा एक भी हलफनामा दायर नहीं किया। अजीत ने कहा कि शरद पवार पार्टी के मामलों को अपनी इच्छा अनुसार चला रहे थे।